सामीन इशात इस्लाम यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। बिहार के दबंग व बेबाक सियासी लीडर सीवान के साबिक रुकन पार्लियामेंट और आरजेडी के सीनियर रहनुमा जनाब शहाबुद्दीन साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोरोना से ही उनकी मौत हुई या फितरी मौत मरे हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। शहाबुद्दीन साहब की वफात से आज दिली सदमा पहुँचा है। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वह हम सब के दिलों में बसते थे। बिहार में गरीबों और मजलूमों के मसीहा के तौर पर जाने और पहचाने जाते थे। बस शहाबुद्दीन नाम ही काफ़ी था। एक ऐसी आवाज़ जिसको दबाने के लिए गैर तो गैर अपनों ने भी हर मुमकिन कोशिश की। यह अजीब इत्तिफाक है कि लालू जी की जेल से बाहर आते ही वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी पैदाइश शेख मोहम्मद हबीबुल्ला के घर 10 मई 1948 को सीवान ज़िला के प्रतापपुर गांव में हुई थी। वो पहली बार 1989 में ज़ेरादाइस असम्बली हलके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एमएलए बने थे। फिर 1995 में दोबारा एमएलए बने। इसके बाद 1994, 98 और 1999 और 2004 में लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए। आप राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडरों में शुमार होते थे। जनाब शहाबुद्दीन साहब कत्ल के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। 20 अप्रैल को जेल में ही शहाबुद्दीन की तबीयत बिगड़ गई थी और कोरोना के अलामात पाए गए थे, जिसके पेश नज़र जेल इंतज़ामिया ने शहाबुद्दीन का कोरोना टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई और जेल के डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल ही रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार और जेल इंतजामियों को शहाबुद्दीन का बेहतर इलाज कराने का हुक्म दिया था। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा था कि कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर शहाबुद्दीन की सेहत का ख्याल रखें। दरअसल शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है और आज बरोज हफ्ता 1 मई 2021 को 53 साल की उम्र में दोपहर 12:50 पर दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला शहाबुद्दीन साहब की मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए। आमीन। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने हमारा चैनल इशात इस्लाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक करें। शुक्रिया। जजाकल्ला।